हम यहाँ स्टोर पे आए थे राशन लेने, एक एक महीने की राशन जो गवर्नमेंट ने फ्री दी है, ठीक है, ये अच्छा काम है, आगे भी मिलनी चाहिए जब तक ये कोरोना चल रहा है। लेकिन जो ये स्टोर पे फिंगर वाली मशीन रखी है, इसकी वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है। लगभग 200 आदमी सुबह से अभी तक एक ही मशीन पे लगा रहा है फिंगर, इसकी वजह से कोरोना जो है ये फैलेगा कि बंद होगा। दुकानें बंद है, हर चीज बंद है, सब कुछ बंद है, जब तो ये मशीन क्यों चल रही है, इसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। हमें एक तो वो डर है, दूसरे नंबर कम से कम 3 पंचायतों के लोग यहाँ पर, लगभग 3000 से ज्यादा राशन कार्ड यहाँ पर है, 3000 आदमी आएंगे यहाँ फिंगर लगाते रहेंगे, और ऊपर से इतना टाइम लग रहा है, इतनी लंबी लाइन लगी है, वो पीछे तक लाइन लगी है सर। तो ये है, ये मशीन का जो ड्रामा है ये बंद होना चाहिए फिलहाल कोरोना के चलते। तो दूसरे नंबर जो राशन हमें गवर्नमेंट ने फ्री दी है एक महीने की, आगे भी मिलनी चाहिए सर। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस कोरोना में अगर बेरोजगारी है, हमें काम नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ बंद है, तो राशन अगर गवर्नमेंट दे रही है फ्री, ठीक है, लेकिन ये जो फिंगर वाला जो है सिस्टम, ये बंद होना चाहिए सर, क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन फैलेगा, कम नहीं होगा। मशीन पे टाइम लगता है, मशीन चल ही नहीं रही है, उस पर टाइम लगता है, तो उसकी वजह से ये लेन ज्यादा है। क्या एक ही जगह सब अंगूठा लगा रहे हैं, ऐसे तो बोलते हैं दूर दूर रह जाओ, तो उधर एक ही जगह लगा रहे हैं अंगूठा, तो उसकी वजह से तो ये इन्फेक्शन फैलेगा, काम कहाँ होगा? अगर इसको बंद ही करते तो ठीक था। डिस्ट्रिक्ट रामबन में अभी राशन डिस्ट्रीब्यूशन मई महीने का चल रहा है, NFSA का भी और जो फ्री राशन आया हुआ है PMGKY, वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथली हो रही है। अभी तक हमने लगभग 30% ऑफ द पॉपुलेशन को राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आज कोविड के चलते हुए ये आ रही है कि लोग जो है काफी वहां पे रश डाल रहे हैं गवर्नमेंट सेल डिपोज पर, मैंने खुद 2-3 जगह पर देखा। तो उसके हमने सभी डीलर्स को भी डायरेक्शन दी हुई है कि प्रॉपर SOPs मेंटेन करें, लोगों को थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, थोड़ा मास्क वगैरह भी लगा के आते हैं। तो ऐसे चलते हुए हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक पहले दिक्कत आती थी कि गवर्नमेंट ने अप्रैल महीने में जो डीलर ऑथेंटिकेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा राशन लेने जाता है तो उसके अगर वो अंगूठा जब लगाता है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, कोई भी फिंगरप्रिंट लगाता है अपना, तो उनमें मिसमैच आता है। तो मिसमैच के बड़े सारे कारण होते हैं, जैसे अगर किसी का फिंगरप्रिंट थोड़ा काम हार्डवर्क करने की वजह से थोड़ा घिस जाता है, या थोड़ा फेंट पड़ जाता है, या किसी का नाम गलत होता है राशन कार्ड पर, आधार पर और कुछ नाम होता है, तो इस कारण चलते हुए मिसमैच होता है। तो उस मिसमैच को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी डीलर ऑथेंटिकेशन फिर से शुरू कर दी है। उसमें क्या होता है कि अगर मिसमैच होता है तो डीलर अपना आधार अंगूठा या कुछ भी लगा के, बायोमेट्रिक जो 5 फिंगरप्रिंट्स लगा के, वो अपनी तरफ से ऑथेंटिकेशन करके राशन लोगों को दे रहा है। ये मैंने आज भी रामबन गवर्नमेंट सेल डिपो रामबन में देखा, मेथरा में भी देखा, स्मूथली चल रहा है। हाँ, रश तो काफी पड़ रहा है कोविड के चलते हुए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर SOPs फॉलो कर रहे हैं। पिछले साल भी जब कोविड की फर्स्ट लेयर थी तब गवर्नमेंट ने 2-3 महीनों के लिए इसको डिसकंटिन्यू किया था, तो गवर्नमेंट के नॉलेज में है, वो उनके इख्तियार में है, अगर वो चाहें तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक हमें एग्जम्पशन अभी ये बहुत ज्यादा मिली है, ये तो शुक्रगुजार हैं हम गवर्नमेंट का, कि उन्होंने डीलर ऑथेंटिकेशन फिर से शुरू कर दिया। दूसरी स्टेट्स में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि बायोमेट्रिक मशीन को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जाए ताकि लोग आसानी से राशन ले सकें। रामबन से कश्मीर अनहर्ड के लिए मैं ताहिर मुश्ताक।